दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मौर्य जी न्यूज चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे उन मजदूरों के बारे में जो मजदूर अदर प्रांत में जाकर के नौकरी करते थे, कामगार हैं और रोजी रोटी चलाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए किराए का मकान लेकर के काम करते थे और लॉकडाउन के चलते वो आज क्या है, स्थिति यह आ गई है वो कमरे पर रहने के लिए मजबूर हैं। और जो लोग लॉकडाउन के दौरान जो मजदूर अपने घरों को परिवार सहित वापस आ गए हैं और घर से लॉकडाउन के चलते नहीं जा पाए हैं, आज उन लोगों के बारे में बात करने की आवश्यकता है। आज देखने वाली बात यह है और सोचने वाली बात यह है कि मीडिया किसी भी एंगल से मजदूरों के लिए अच्छा नहीं सोचती है, सरकार भी कुछ अच्छा नहीं सोच रही है। ऐसे में सवाल बनता है मीडिया के ऊपर, सरकार के ऊपर। जो सवालें हैं वो जायज हैं, अगर जायज नहीं है दोस्तों तो कमेंट के माध्यम से बताना कि आपका ये सवाल जायज नहीं है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि सरकार से अपील है, रिक्वेस्ट है उन मजदूरों के लिए जो अदर प्रांत में जाकर के नौकरी करते हैं और उन लोगों का काम इस समय बंद है, बेरोजगार हो चुके हैं लॉकडाउन के चलते, या तो घर आ गए हैं तो घर में बेरोजगार हैं या अदर प्रांत में हैं, कमरे पर हैं तो कमरे में कैद हैं। 10 लोग 15 लोग जितने भी लोग कमरा लेकर के रहते थे एक कमरे में से, ड्यूटी जितने लोग कर पाते थे अपने एडजस्ट करके रहते थे, या परिवार सहित रहने वाले की बात करें तो 4,000-5,000 महीने की किराएदार रहते थे, मतलब किराया देते थे 5,000-4,000 का रूम लेकर के रहते थे, परिवार सहित रहते थे और उनकी रोजी रोटी के लिए आज दिक्कत आ रही है। लॉकडाउन के चलते उनका काम रुका हुआ है, कहीं आ जा नहीं सकते हैं, या गांव आ गए हैं तो नौकरी पर नहीं जा सकते हैं, मतलब कि शहर नहीं जा सकते हैं कमाने के लिए, बहुत सारी दिक्कतें हैं। ऐसी दिक्कतों के बीच सरकार ने उन लोगों के बारे में क्या सोचा है, इसलिए ये बात कहने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि विश्व का WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये लॉकडाउन लंबा चलेगा, खींचेगा, जल्दी ख़त्म होने वाला ये नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है दोस्तों, अगर ये लंबा चलेगा, धीरे धीरे ये बढ़ता रहेगा, तब उन लोगों के ऊपर बहुत दिक्कतें आएंगी जो पहले से परेशान हैं ये लॉकडाउन के चलते, बेरोजगार हो चुके हैं। मकान मालिक जैसे मान लीजिए 4,000 रुपये एक महीने का किराया लेता है, तो दोस्तों अगर ये हमारा लॉकडाउन 12 महीने चला, अगर ये लॉकडाउन कोरोना वायरस वाला लॉकडाउन 12 महीने चला तो 12 महीने में 48,000 रुपये हो जाएगा 4,000 के हिसाब से। अगर 4,000 का रूम है तो उस परिवार के लिए 48,000 रुपये लाना मुश्किल होगा, कहाँ से लाएगा, उसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है, क्या घोषणा की है। अपील है लोगों की तरफ से, मजदूरों की तरफ से, उनके लिए कुछ अच्छी व्यवस्था की जाए ताकि उनको भार ना पड़े ऐसी बेरोजगारी में जब लॉकडाउन के चलते बैठे हैं। दोस्तों ये दिक्कतें सभी को झेलनी पड़ेगी, लेकिन सरकार इसके बारे में क्या कहना चाहती है, और साथ में ये भी हम स्पष्ट करना चाहेंगे, आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपना कमेंट करके बताएं। सरकार इसके बारे में अगर कोई बात कही है या आपकी जानकारी में कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से
अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें। और दोस्तों, ये बात अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। और साथ में आपसे यही कहेंगे, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।